काउफन आइन काउफन काउफन का मतलब शायद ऑलरेडी मतलब खरीद लिया पहले ही उसको बता रहा है कि शब बस काउफन इज टू परचेज जनरली कोई चीज आप खरीदते हो उसको बोलते हो इश्काउफ है इश्काउफ हाइन मोटोराड मैं एक साइकिल खरीद रहा हूँ एक मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ एक कार खरीद रहा हूँ आप ऐसे बोलते हो क्या मैं एक कार की शॉपिंग कर रहा हूँ कार की शॉपिंग ऐसे नहीं बोलते कार खरीद रहा हूँ आप कोई चीज खरीद रहे हो बोलोगे तो काउफन और शॉपिंग पे चलना है क्या दैट इज आइन काउफन तो जनरली कई सारी चीज खरीदते हो आप दैट इज आइन काउफन वी गेन आइन काउफन वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग इश्काउफ आइन एंड कूली एक पेन की शॉपिंग कर रहा हूं ऐसे नहीं बोलता मैं एक पेन खरीद रहा हूं ठीक है तो जनरली इंडिविजुअल चीज के लिए काउफन ही बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ परचेजिंग के लिए जनरली आइन काउफन जनरल काउफन सो काउफन आइन काउफन गिम्यूटलिश अनगिनेम दस वेटरिश अनगिनेम दस जोफाइश गिम्यूटलिश मुझे घर जैसा लग रहा है यहां पे गिम्यूटलिश एट होम फीलिंग आ रही है घर जैसा क्या लग रहा है घर ही लग रहा है जैसे दस इज जे गिम्यूटलिश गिबीर के माउंटेन सीरीज ऑन बैर्ग माउंटेन एक पहाड़ के बाद दूसरा तीसरा अरावली एल्प्स गिबीर गे गिनीशन इंजॉय आप बोलो मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करता हूं हॉलीडेज में आई इंजॉय अ लॉट विद फ्रेंड्स का दिमाग में फिट कर लो जब भी बोलना है मिट इन फ्रॉइंडन कभी गलत होगा ही नहीं ना मिट डेन फ्रॉइंडन हर बार हमको यही बोलना है मिट डेन फ्रॉइंडन फिक्स कर लो लॉजिक तो आ जाएगा आपने आप मिट इन फ्रॉइंडन बोलो यस आई एंजॉय विद फ्रेंड्स कैसे बोलोगे ओके राकेश बोलो आई कुक विद फ्रेंड्स इज कोका मिट माइनन फ्रॉइंडन यस मिट माइनन फ्रॉइंडन या मिडन फ्रॉइंडन प्लूरल में ही बात करनी है हमसे हमको अभी कुछ दिन के लिए हम लोग इस बात को डिसाइड कर रहे हैं आज मिड एंड फ्रॉइंडन ही बोलेंगे ये एज ए फ्रेज ऐसे आपको 150 फ्रेज सिखा दूंगा तो समझ लो आपका काम हो गया गलती होगी नहीं ना मिड एंड फ्रॉइंडन हर बार ही मिड एंड फ्रॉइंडन रहेगा मिट इज डाटिव फ्रॉइंडन इज प्लूरल सो डाटिव प्लूरल मिड एंड फ्रॉइंडन सुन के लोगों को लगेगा वाह यार क्या ग्रामर है इसकी मिड एंड फ्रॉइंडन या ऑटो होगा हमेशा हां मिड एंड ऑटो होता है मिड एंड ऑटो मिड एंड बूस्ट इस फार है मिड एंड ऑटो मिड एंड बूस्ट मिड एम फ्लूक सॉइ सो मिड डे में होता है ना मिड डे बान तो बहुत रेगुलर रेयरली रेगुलरली आप ये चीजें मिड डेम आउटो और ये सब बोलते हो बान आ जाए तो मिड डेयर बोलना पड़ेगा ऑफकोर्स लेकिन मिड डेम आउटो मिड डेम फार आट मिड डेम स्कूटी मिड डेम स्वाइर आट सो मिड डेम फ्लूक सॉइक मिड डेम ऐसे ही मिड डेम फ्रॉइंडन सुनिधि यू से I'm not cooking at home. At home के लिए क्या बोलोगी? It's cooking nicht in meine Hause. Su Hause. Fix कर लेना है. Su Hause. जब mine, dine ये सब लगाते हैं तो कभी कभी लफड़ा पड़ता है तो Su Hause fix कर लिया इस गे ना खाउजे इस बिन Su Hause. घर पे पहले से है तो Su Hause. इसको है Su Hause. Heute bleibe ich zu Hause. Arbeite ich du? Nein. Ich bin heute nur zu Hause. Ich ruhe mich. Zu Hause. Fix kar logi to kyon galat hoga? Nach Hause, zu Hause. Okay, begeistert. We are very excited. Begeistert. Credit card hai. Lebensmittel. Khane pine ka saman. Wir nehmen nie Lebensmittel mit. Ich fahre midden Freunden, midden Familie. Midden Familie, midden Freunden.
ये वैसे ही है, ये एक्सप्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूं सु हाउज है मिडन फ्रॉइंडन, ये राइट। जैसे आपने लर्न किया है ऑफ टेम लैंड और इंडियर स्टार्ट, ऐसे ही किया है ना, ऑफ टेम लैंड इंडियर स्टार्ट, इंडियर फैमिली है, इन माइनर फैमिली है। सो ऑफ टेम लैंड गांव की जब भी बात आई आप बोलो ऑफ टेम लैंड, ऑफ टेम लैंड गिनी शेष, ऑफ टेम लैंड या ऑफ टेम लैंड, माइन हाउस इज ऑफ टेम लैंड, मेरा घर गांव में है, माइनर फैमिली है वॉन्ट ऑफ टेम लैंड, इन देर किंड हाइट वारिश ऑफ टेम लैंड, गांव में बोलना तो यही फिक्स एक्सप्रेशन के तौर पे ले लो। इस आरबाइट इंडियर स्टार्ट, इस बोन इंडियर स्टार्ट, माइन हाउस इज इंडियर स्टार्ट, एस्किप्ट जो जो फील इंडियर स्टार्ट। सो इंडियर स्टार्ट फिक्स कर लिया, यही काम में लेना है अपन को, एक्सपेरिमेंट बहुत करने की जरूरत नहीं है अभी। इंडियर स्टार्ट ऑफ दिन लैंड मिड एंड फ्रॉन्ड एंड सु हाउस है ओके ऑफ दिन मार्क्ड, ऐसे ही एक लर्न करना है आपको एक्सप्रेशन ऑफ दिन मार्क्ड और इन जुब मार्क्ड। देखो मार्केट के लिए तो ऑफ यूज करना है और सुपरमार्केट आ जाए तो इम इम सुपरमार्केट, ये प्रीपोजिशन ऑफ द मार्केट इन सुपरमार्केट, ऑफ द लैंड इन द स्टार्ट, दिस इज द ब्यूटीलेस वी आर ग्रिलन। देखो इसमें वर्ब कौन कौन सी है, अभी हमने जो किया इसमें से वर्ब वर्ब देखेंगे केवल, ठीक है, वर्ब ढूंढो यही काम है अपना, वर्ब कहां कहां लिख डाली हमने, जिसको जो दिख जाए बोल दो जोर से बस। प्रेसन है, ग्रिलन है, ग्रिलन ग्रिलन है लगाने की जरूरत ही नहीं है, ग्रिलन एसन काउफन काउफन गिमाक्ट गिमाक्ट पेशवाई ओके गिमाक्ट मतलब माखन माखन गिमाक्ट माखन गिमाक्ट ग्रिलन ग्रिल्ड गे नहीं लगता बे के साथ बेजुक्ट बस बेजुक्ट बुखन बुखन गिबुक्ट ओके मसाज मसाजीरन मसाज इज नाउन मसाजीरन शाफन शाफन इज टू मैनेज अगर कोई बोल दे अनशाफन तो इसका मतलब टू परचेज हो जाएगा भाई अनशाफन बोलो मेरे को एक कंप्यूटर खरीदना है काउफन नहीं बोलेंगे अनशाफन बोलेंगे बोलो मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है देर कंप्यूटर होता है तो क्या होगा इस शाफ है आइनन शाफ है आइनन कंप्यूटर अन अनशाफन सेपरेबल ओके सुनिधि आप बोलो मुझे दादी के लिए कंप्यूटर खरीदना है अनशाफन यूज करेंगे काउफन नहीं सेपरेबल वर्ब आइने कंप्यूटर अनशाफन सेपरेबल वर्ब है अनशाफन तो अन तो लास्ट में जाएगा अकुजाटिव है कंप्यूटर मैस्कुलिन है चलो दादी को छोड़ दो आप तो ऐसे बोलो कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है एक कंप्यूटर खरीदना है इशाफन साफन इसके साथ साफन इशाफ है कंप्यूटर ओके बाकी लोग कोई भी हंसोगे नहीं केवल मुस्कुराओगे अगर कोई अकुजाटिव का ध्यान नहीं रखता है तो ठीक है कोई नहीं हंसेगा मैं भी नहीं हंस रहा केवल मुस्कुरा रहा हूं यस दोबारा से बोलो आई एम परचेजिंग ए कंप्यूटर कंप्यूटर मैस्कुलिन है डेयर इशाफे आइनन कंप्यूटर आन Got it? Yes, sir. Yes. इस शाफ है देखो किसी को हंसने नहीं दिया मैंने केवल मुस्कुराने के लिए बोला था है ना
ओके इस शाफे आइनन कंप्यूटर अन। अगर दादी के लिए तुमको क्या दिक्कत है, दादी के लिए खरीदने में कोई दिक्कत है? बोल दो फ्यूर माइन ओमा कंप्यूटर फ्यूर माइन ओमा अन। ओके यस सो सौरभ जेहन शूडिस काइटन बोलो अजमेर में बहुत चीजें हैं देखने के लिए। जेहन शूडिस काइटन देर आर मेनी साइट सींग्स इन अजमेर। देर आर देर आर के लिए एक ही वर्ड होता है लेकिन कोई बताएगा नहीं, फिक्स एक्सप्रेशन है। ओके एस जिंड भी चलेगा, दास जिंड भी चलेगा और एक और होता है एस गिफ्ट। ठीक है बोलो सेंटेंस। देर आर मेनी साइट सींग्स इन अजमेर। इन अजमेर छोड़ो यार, इन अजमेर में तुमको लंबा सेंटेंस लिख रहा है लग रहा है, तुम तो इतना ही बोलो देर आर मेनी साइट सींग्स। देर आर तो पता चल गया क्या? क्या एस जिंड मेनी जेहन शूडिस काइटन। आप जेहन शूडिस काइटन ओके और मेनी मेनी किसको बोलते हैं? मेनी फील है फीनेस बोलो एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन। इतना ही बोलो बस दो बार एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन। जेहन शूडिस काइटन दोबारा बोलो एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन। कहां? अजमेर इन अजमेर। हो गया बस दोबारा से बोलो एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन इन अजमेर। हो गया तो ऐसे घबराए प्रमोद, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोलूंगा मैं ना, हो जाएगा। एस गिफ्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इन अजमेर एक साथ आएगा। अजमेर इन तो नहीं कर सकते ना, इन अजमेर ही बोलेंगे ना, तो बस हो गया। एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन, तीन ही चीज थी एक्चुअली। एस गिफ्ट एक एक्सप्रेशन है, फील है जेहन शूडिस काइटन क्योंकि इसके साथ, और इन अजमेर एक एक्सप्रेशन है, तो एस गिफ्ट फील है जेहन शूडिस काइटन इन अजमेर। आपको राजीव दिन मेरी जर्नी उदयपुर की जर्नी, तो माइनर राइज है नाक उदयपुर, ऐसे बोल सकते हैं ना, उदयपुर वाली जर्नी। माइनर राइज है नाक सांगानेर, माइनर राइज है नाक डोचलैंड, मतलब उसको भूल नहीं सकता मैं। बोलो माइनर राइज है नाक डोचलैंड इज अनफॉरगेटलिश। माइनर राइज है नाक डोचलैंड इज अनफॉरगेटलिश। ओके नाउ दो और सेंटेंस बनाओ। अच्छा इसी से बना रहे हैं कि कोई अनफॉरगेटलिश यूज करना है। अनफॉरगेटलिश ओके ऑफेंथाल्ट एक टफ सा वर्ड दे देता हूं। ऑफेंथाल्ट ऑफेंथाल्ट का मतलब है स्टे। बोलो मेरा जर्मनी का स्टे जो है वो मैं भूल नहीं सकता जिंदगी में। ऑफेंथाल्ट mein Aufenthalt in Deutschland ist unvergesslich. Unvergesslich. Okay. Unvergeb मतलब memorable, उसको भूल नहीं सकते, और जिसके याद ही नहीं रहे वो केवल forgetless हो जाएगा। बोलो मेरे दादाजी तो यार बहुत बुलक्कड़ है। mein opa is forgetless भूल जाते हैं, forgetless. Forgetless kite is या eine Krankheit या leider. Wenn man alt ist, im Alter. Im Alter का मतलब है in old age.
इम अल्टर फिक्स एक्सप्रेशन है इम अल्टर। कोई कहेगा हर बात को फिक्स एक्सप्रेशन बता देते हो। इम अल्टर इम अल्टर इस्ट स्वीडिश, ओल्ड इज में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। इम अल्टर इस्ट स्वीडिश गुड। इन्फेक्शन का वर्ड किसने पूछा था? रिंकी ने। रिंकी तुम बताओ। रिंकी नो सर कव्या देखो बचने का तरीका। मैंने फ्रेंड ने पूछा। ठीक है तुम्हारी गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बताए इन्फेक्शन नहीं पूछा, वो पूछा था सैनिटाइजर। ओके सैनिटाइजर को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन जानबूझ के बोल दिया मैंने ताकि आपको याद हो जाए वो। डिसइन्फेक्शन इन्फेक्शन मिटल 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 का मतलब स्टफ, जैसे अपन बोलते हैं लेबन्स मिटल खाने पीने की चीजें मिटल स्टफ। तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने देता है क्या सैनिटाइजर? नहीं ना। तो डेस डी एस डेस डेस इन्फेक्शन मिटल डेस मिटल डेस इन्फेक्शन मिटल। ओके सुनिधि क्या है वर्ड? डिस इन्फेक्शन मिटल सुनिधि रिपीट करो इस वर्ड को। डिस इन्फेक्शन मिटल यस ओके गुड। एक अपने ग्रुप में कोई काव्या है उसने जो मेकअप के साथ जो लेके जाते हैं उसके लिए कोई वर्ड बोला था, क्या था वो? मेकअप बॉक्स कैस्टल याद रहा क्या तुम्हारा? कास्टन क्या वर्ड था काव्या तुमको याद है? स्मिंक कास्टन। स्मिंक श्मिंकन का मतलब है लिपस्टिक लगाना मेकअप करना श्मिंकन, तो उसी से बनाया है श्मिंक। कैस्टन कैस्टन मतलब बॉक्स, कोई भी कैस्टन बॉक्स स्मिंकन का कैस्टन। थोड़ी देर बाद में पूछूंगा अभी तो याद रहेगा तुमको। ओके गेपैक बैग लगेज लगेज गेपैक। ये तो अपने सारे वर्ड देखो एस्ट एस्ट हिल फे कास्टन ये कौन सा है? फर्स्ट एड किट। सो कैस्टन का मतलब किट हो गया फिर तो। ओके इम होटल क्लार लेबेंसमिटल व्हाट इज लेबेंसमिटल? खाने पीने की चीजें। चलो मैंने ज्यादा वर्ड टाइम ले लिया आपका, इस पे हम काम की बातें करते हैं। आप लोग जनरली अगर मान लो कभी घूमने जाते हो तो क्या लेके जाते हो नॉर्मली? आपको बताना है क्या लेके जाते हो नॉर्मली। तो इसके लिए आप बोलोगे मंशमाल मंशमाल नी इमार्ट इमार्ट मंशमाल नी नी मतलब नेवर। ये चीज तो मैं कभी नहीं ले जाता, ये चीज कभी कभी ले जाता हूं और ये चीज तो हमेशा लेके जाता हूं। सो इस नेम मिट या इम उर्लाउट ब्राउक है इश इमा सुम्बा स्पेल हैंडी इमर माइन हैंडी नेम इश इमा मिट इम उर्लाउट। ओके ट्राई योर सेंटेंसेस क्या बेटा कोविड वट एवर यू टेक। आप हमेशा एक एक आध चीज ऐसी है जो आप लेके जाते ही हो इम उर्लाउट इश ब्राउक है इश ब्राउक है इश नेम है इश ब्राउक है इश नेम है या इश नेम है ये सर ये पावर बैंक क्या बोलते हैं? पावर बैंक को पावर बैंक ही बोलेंगे। इश नेम है पावर बैंक इश नेम है इमर पावर बैंक में इश नेम है। सो वर्ब हुई मिट नेमर
आप मिट नहीं मन लोगे तो मिट लास्ट में आएगा. ओके होंट मशनोक, तीन चीजें बोलो कम से कम जो हमेशा ले जाते हो. इस नेम में नॉट ओन इमरमिन या राजेश नेम में एक्स्ट्रा शो है इमरमिन एंड इस नेम हैंड टूशर इमरमिन. ओके अब इसका एक ही सेंटेंस बना दो तो इस नेम हैंड टूशर पावर बैंक एंड एक्स्ट्रा शो एक्स्ट्रा शो में इमरमिन. ओके आलिस क्लार या कविया डू इस रन इस नेम इमर माइन ने मास्क के उंड डेस इन्फेक्शनल इन्फेक्शन मिट द मिट. परफेक्ट वेरी गुड. ये राकेश इस नेम है द कमरा उंड हैंड टू सर उंड द पावर बैंक मिट. इमर ऑर्डर वन स्मॉल इमर. ओके मोमेंट बेटे डेस्टिनेशन फेलर मोमेंट
Der Austausch. Autoschlüssel. Yes, Shivranji? Yes, sir. Okay. The bottomy, aquar layer. Okay. Ajo. Their auto solution? Car key? That's lap. Tablet? Tablet. Tablet. The ban card? Train travel card. Okay, train card, huh? Train card. Okay, Rise Pass? Passport. Start plan? City map. Yes. बहुत सारे जर्मन्स जो हैं, उनकी आदत है कहीं भी जाते हैं तो सिटी का मैप रखते हैं ताकि बार बार पूछना नहीं पड़े। हमारी तो आदत होती है जो भी मिल गया उससे पूछ पूछ के चार पांच ना घायल कर देते हैं, लोगों को घायल कर देते हैं, वो भी सोचते हैं क्या है ये, और वो लोग इस तरह की चीजें ज्यादा पूछते नहीं, उनको पता ही है देख के। देर दी जोन ब्रिल है, देर मैसे कैटलॉग, एग्जीबिशन कैटलॉग, दी पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड। सो बहुत सारे जर्मन्स घूमने जाते हैं वहां से पोस्ट कार्ड लिखते हैं, आदत है उनकी। जैसे पोस्ट कार्ड क्यों लिखते हैं, जैसे जयपुर आए तो हवा महल वाला पोस्ट कार्ड मिलता है ना, इस तरह का मोन्यूमेंट वाला, वो लिखते हैं ताकि लोगों को याद रहे ये हवा महल गया वो आदमी। जर्मन ऑनलाइन परचेजिंग में बिलीव नहीं करते, कल एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग को, वो मतलब स्पेशली ओल्ड लोग, अभी आजकल तो सब कर, आजकल तो कर रहे हैं ओल्ड लोग स्पेशली, राइट। और ये वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूज नहीं करते, हाँ, क्योंकि उनको पता है ना कई फ्रॉड करने वाले बैठे हैं, कल ही सुना मैंने किसी से, तो ऐसे बैठेंगे तो हमको भी डर लगने लगेगा। So, tablets, their coffer, suitcase. Their Reiseführer, sir, tabletin or tablet में क्या लिखते हैं sir? Tablet और tabletin, ये plural है? Plural के कारण tabletin, जैसे bat, batten, tablet, tabletin. So, their coffer, attaching suitcase, the riser führer, travel guide book के लिए ना, आदमी भी हो सकता है गाइड, बट जनरली गाइड बुक के लिए, और आदमी गाइड है उसके लिए राइजर लाइटर वर्ड ज्यादा आता है, लाइटर। ये क्या था, बुक ऐसी बुक, गाइड बुक, जैसे मान लो उस प्लेस से रिलेटेड, ये बारे में, हां उस प्लेस के बारे में बुक। The far cart है? Driving license. Far cart है? Ticket. Ticket. Indicate bus ticket. Yeah. Rise cart है, far cart है, एक ही बात है. Rising, journey, foreign मतलब जाना, तो उससे बना है. Rise cart, far cart है, rise cart है, ticket, एक ही बात है. Their flyer, pamphlet, देते हैं ना कई लोग. प्रचार भी करियाऊंगा, घूम के तो आऊंगा लेकिन. So flyer. Their Mesa Ausweis. Mentioning our identity card. Yes, Mesa. For the exhibition. For the event exhibition. Fair exhibition. कई बार जाने के लिए आपको कार्ड इश्यू होता है. Thus, porte monnaie. पर्स. जिसमें पैसे रखते हो, वॉलेट. Porte monnaie. Their kaugummi. गुमी का मतलब रबर काउन एक वर्ब है खाना, हाँ रबर, हाँ चुविंगम सो काउन इज चू, काउन काउ गुमी चुविंगम दस गेल पैसा दस स्मार्टफोन मोबाइल द क्रेडिट कार्ड है
क्रेडिट कार्ड कूली देन द विजिटिंग कार्टन विजिटर कार्ड विजिटिंग कार्ड्स द कैमरा 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 द रेशनम रिसीप्ट्स रिसीप्ट बिल ओके देयर म्यूजियम कैटलॉग म्यूजियम कैटलॉग म्यूजियम का द वर्ड वर्ड घड़ी ओके अभी कह रहे हैं इनको फोटो को देख के बताओ याद करके क्या वर्ड पढ़े हैं हमने अभी तक सोनन ब्रिल है आर्म बांड ओवर भी बोलते हैं इसको आर्म बांड ओवर भी आर्म बांड मतलब बांधने की ओवर आर्म बांड ओवर स्मार्टफोन आउटर स्लूसल ओके स्लूसल आउटर स्लूसल काउगुमी फ्लैश Here flash tableton. आप क्या सोच रहे हो मुझे दिख रहा होगा गुड सो आपको होमवर्क देता हूं पहले मैं कि जब भी आप हॉलीडेज पे जाते हो तो आप क्या पैक करते हो इस पाके कोफर पाकन इसने मैं इमा माइंड हैंडी मिट उंट खाइनन कंप्यूटर Manchmal packe ich Schirm ein. Schirm, Chata. Immer, manchmal, selten. Selten ka matlab hai rarely. Rarely. Kaugummi. Matlab kaun si cheez aap leke jaate ho generally. Ya phir better ye rahega. Aaj humne vocab acche se kari hai thodi iski. Kal aap ye bhi keh sakte ho ki कोई एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा या जनरली अपनी जर्नी किस तरह की रहती है जनरली मतलब प्रेजेंट में बोलना हो तब तो आप ऐसे बोल देना जनरली मैं हॉलीडेज पे समर में जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ फैमिली के साथ जाता हूँ जनरली हम लोग पहाड़ों में जाते हैं बीच पे जाते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करते हैं और नया खाना ट्राई करते हैं शॉप और क्या करते हैं जेन शूडिस काइटन वहां की चीजें देखते हैं एक सिटी टूर करते हैं ट्रैकिंग राइट ट्रैकिंग करते हैं और 10 दिन के लिए जाते हैं 2 वीक के लिए जाते हैं इट्स ऑलवेज ए फन इस तरह की या तो प्रेजेंट में बोलो आप और किसी को और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होके पूरा बोलना है तो आप बताओ फिर कि लास्ट टाइम आप कहां गए थे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो फिर जिसको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टफ लगे आपकी बात नेक्स्ट टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट ले लेंगे अगर टफ लगे तो वो प्रेजेंट में बोलेगा कि मैं हर बार ऐसे जाता हूँ राइट फैमिली के साथ जाता हूँ और जिसको थोड़ा चैलेंज लेना है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे कि लास्ट टाइम हम वहाँ गए थे यहाँ से ये किया था तो जो हम खरीदते हैं बोलेगा वो बोलेगा वी आर काउफन या फिर वी आर काउफन गैन फील आइन हम बहुत शॉपिंग करते हैं और जिसने पास्ट की बात करनी है हमने बहुत शॉपिंग की वी हैवन फील आएंगे काउफ्ट सो ये आपका होमवर्क है आप जनरली हॉलीडेज में जाते हैं तो क्या तो लेके जाते हो आप ऐसे भी खास तौर पे इसको देख सकते हो कि मिट बेम वोहिन वी ऑफ्ट हाउ ऑफन यू गो साल में एक बार दो बार हर महीने वी ऑफ्ट वास वास का मतलब है वहां क्या करते हैं एक्टिविटेटन और क्या खरीदते हैं क्या करते हैं खरीदते हैं मिटवेम वी लांग है ठीक है ये यूज करने हैं आपको इमर मानशमार और प्रेजेंट में या प्रेजेंट परफेक्ट में वास ने में स्मिट यहां तो वास काउफ है इस आइन और एक वास नेम है स्मिट
तो आपको जनरली ऐसे लग रहा हो कि ये पर्टिकुलर वोकैब थोड़ी टफ है, उसको जानबूझ के यूज करना, तो फिर दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया? क्लियर? कि हॉलीडेज पे बोलना है कि आप हाउ ऑफन यू गो, व्हाट यू टेक विद यू, किसके साथ जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, और वेदर। मान लो कहीं गए थे तो आप वेदर की बात भी कर सकते हो कि वेदर बहुत अच्छा था, ऐसे करके। सो ये दो होमवर्क दूंगा बस, एक तो ये बोलने वाला है, और इसके अलावा एक चीज ग्रामर की, जस्ट ए मोमेंट, वन थिंग ओनली, बस ये छोटा सा, इतना सा टेक्स्ट, देखो कितना छोटा टेक्स्ट, पढ़ा ही नहीं होगा इतना छोटा तो आपने आज तक। सो आई एम स्वाहिद्राई फियर, ये छोटा सा मैसेज है, इस मैसेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस, दैट्स इट, एंजॉय। दस इस्ट जाइटर, आई ऑन फ्यूनसिश, आई ऑन फ्यूनसिश।